अस्सलाम वालेकुम फॉलोवर्स एंड मेंबर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट, मैं आपके साथ हूँ नई कॉल लेके 17 सितंबर के लिए। आई होप के आज का सेशन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा। मिड डे कॉल में भी आपको मज़ीद अपडेट करने की कोशिश की गई थी, वैसे तो कोई ख़ास तब्दीली नहीं थी मिड डे कॉल में, मगर बहरहाल चलें चलते हैं आज के सेशन को। सब में पहले देखते हैं आज के सेशन को, अगर हम देखें तो कोई ख़ास सरप्राइजेज़ नहीं थे। मार्केट चूँकि पिछले दो दिनों में 42,000 वो जो 800 कौन सा लेवल था 884 को चूँकि उबूर नहीं कर पाई थी, तो जिसकी वजह से हमें कोई ख़ास उम्मीदें नहीं थी मार्केट से, क्योंकि मार्केट जो है लोअर लोस बनाती हुई नज़र वैसे ही आ रही थी। तो फिर आज हमने प्री ओपन के साथ एक छोटा सा हाई देखा 42,545 का, उसके बाद मार्केट जो है नीचे गिरना शुरू हो गई। 242 तक की तो हम टारगेट कर ही रहे थे, 242 के बाद हम थोड़ा सा एग्रेशन देख रहे थे, तो 242 को भी उसने तोड़ा और 42,091.97 का लो बनाया उसने, और उसके बाद फिर मार्केट जो है 64 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हो गई और वॉल्यूम्स 26.95% जो है डिक्लाइन किए हैं। तो वॉल्यूम का डिक्लाइन होना कोई हैरान कन बात नहीं है, क्योंकि जब इंडेक्स में डिप्रेशन हो तो आमतौर पे थोड़ा सा ट्रेडर भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो वो कोई अनोखी बात नहीं। आज की जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि जो इंट्राडे लो था उससे मार्केट ने 190 पॉइंट का गेन लिया, जो इस बात पे पॉइंट ज़रूर करता है कि कुछ फ्रेश बाइंग ज़रूर आज हुई है। तो मैं तो खैर इसको कंफर्टेबल सेशन कहूँगा, कंफर्टेबल इसलिए कहूँगा कि स्लो और ग्रेजुअल गिरावट थी, कोई फ्री फॉल सिचुएशन हमको देखने को नहीं मिली, और जब ऐसी गिरावट होती है और हम ऑलरेडी लिक्विडिटी के साथ टारगेटिंग कर रहे थे अपनी बायस की, तो हमारे लिए तो ये आइडियल सेशन होते हैं। और कल की ऑडियो में आपको ये बात ख़ास तौर पे बताई गई थी, जो कल की जो कॉल भेजी गई थी कि मार्केट को ऑफलोड करें, तो ऑफलोडिंग का मतलब शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ भी होता है, और अगर क्योंकि अगर एक सौदा आपके हाथ में पड़ा है, लेट सपोज अगर एक डिलीवरी आपके पास पड़ी है और आप ऐसी सूरत हाल ऐसी मार्केट में हो, तो आप उसको बेच दें सुबह और फिर उसको नीचे वापस ख़रीद लें वही क्वांटिटी, तो इस तरह आप शॉर्ट भी नहीं करते और अपनी डिलीवरी को रोल ओवर कर लेते हैं। तो कल ख़ास तौर पे मैंने ये बात कही थी कि सुबह जो है ऑफलोडिंग की जाए। एनीवेज मैं यकीन से कह समझ सकता हूँ कि जब लो बना के मार्केट दोबारा उठी है तो आपने शॉर्ट कवरिंग भी की होगी। अच्छा खैर, द फॉरेन फंड्स आर बैक इन सेलिंग, वो दो दिन की मेरे ख्याल में इनफ्लोज देखी हैं, उसके बाद ये दोबारा सेलिंग पे आ गए हैं, जबकि लोकल फंड्स और इन्वेस्टर्स की आज इनफ्लोज हैं, और ठीक है इनफ्लोज नॉट बैड। कल लोकल इन्वेस्टर की तो थोड़ी कम इनफ्लोज थी, मगर आज फेयर है। अब चलते हैं कल के सेशन के बारे में कि कल के सेशन के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आज की कॉल को मैंने थोड़ा सा तफसील से बयान करने की कोशिश की है, अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तफसील से समझाने का मतलब ये है कि अगर हम जो स्क्रिप्ट कॉल, जैसे आज जो स्क्रिप्ट कॉल दी जा रही है उसमें ज़्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की स्क्रिप्ट कॉल्स हैं, वो तो ओवरऑल व्यू मार्केट का समझना भी आपके लिए ज़रूरी होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने डिटेल डिस्कस किया है यहाँ। वैसे आमतौर पे हम मंडे को ये डिस्कस कर लेते हैं और हमने इस मंडे को भी किया है, मगर बहरहाल तो आज का सेशन जिस तरह इंट्राडे से गेन करके क्लोज हुआ है, तो वो थोड़ा सा टेम्प्ट करता है ट्रेडर्स को एक्साइटमेंट के लिए कि मार्केट जो है सुबह एक्साइटमेंट के साथ खुल जाए। मगर जो नेगेटिव पहलू है मार्केट का इस वक्त वो लोअर लोस का है, जो पॉइंट करता है बियर्स की ख्वाहिश पे,
जो मार्केट को नीचे की तरफ लाना चाहती है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर। और जो लोअर लोज बन रहे हैं और लोअर हाई भी देखने में आ रहे हैं पिछले दो तीन सेशन में, तो ये मोमेंटम के कम होने की वाज़ह निशानदेही है। और अगर आप पिछली कॉलें सुनते आ रहे हैं तो आपको पहली ही कॉल में बताया गया था, आई रिमेंबर शायद फ्राइडे की कॉल थी, जिसमें बताया था कि डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखा गया है। गो के कोई अभी सिग्नल वाज़े नहीं हुआ है, मगर बुल्स में डिक्लाइनिंग मोमेंटम देखा गया है और उसके बाद हम देख सकते हैं मुतवातर डिप्रेसिव सेशन है। तो दिस इज़ ट्रू कि मोमेंटम में कमी होती जा रही है, तो इस कमी को रीगेन करना ज़रूरी है बुल्स का, तो फिर जाके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इन तमाम बातों का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि इसको जोड़ा जाए मार्केट क्रैश से या सेलिंग डिज़ास्टर से, क्योंकि थोड़ी शिद्दत पसंदी होती है हमारे भाइयों में जब ट्रेडिंग के हवाले से गुफ्तगू होती है। तो थोड़ी सी मार्केट गिरती है तो फौरन वो 20,000 की मार्केट की बातें शुरू कर देते हैं, थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाती है तो 50-60,000 की बातें शुरू कर देते हैं। तो बी रियलिस्टिक इन द मार्केट। मैंने जिस तरह कल कहा था कि मार्केट इज़ ट्रेडिंग ब्यूटिफुली एज पर द वेटेज, मार्केट पाकिस्तान की मार्केट पिछले चंद सालों में ये बता रही है कि उसका वेट बढ़ा है, वो अपने वेट पे ट्रेड कर रही है, अपने फंडामेंटल्स पे ट्रेड कर रही है, तो मार्केट बहुत अच्छा ट्रेड कर रही है। तो इसलिए कोई सेलिंग डिज़ास्टर या क्रैश सिचुएशन के बारे में सोचना भी गलत है, सोचना भी गलत है। तो अभी जो कुछ चल रहा है वो अप्रोप्रिएट करेक्शन और द एडजस्टमेंट ऑफ द बुलिश ट्रेंड है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। ओवरऑल ट्रेंड का मतलब क्या है कि जिस तरह मैंने आपको पिछली कॉल में समझाया था कि अगर हम इसको लॉन्गर टर्म में देखें तो मार्केट में कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। एडजस्टमेंट्स होंगी और वो एडजस्टमेंट जो होंगी उसमें पोर्टफोलियो रीस्केजुअल होंगे, आप कोई चीज़ बेचेंगे दूसरी चीज़ लेंगे, किसी का क्वार्टर ख़त्म होगा कोई नए क्वार्टर शुरू होंगे, किसी की उम्मीदें ख़त्म होंगी नई उम्मीदें शुरू होंगी, ये मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है, इसमें कोई अनोखी या नई बात नहीं है। तो मगर हम एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर या वीकली ट्रेडर हम इन वेव्स का भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और इसी नुक्ते नज़र से आपको एग्जॉस्टन पे एग्जिट कॉलें दी गई और हम टोटल एग्जिट भी हमने लिया और उसके बाद हम बायबैक करने की बात कर रहे हैं। मुझे मार्केट में कोई ख़तरा तो नज़र ही नहीं आता 41,908 तक, 41,908 जब तक सिक्योर है मुझे मार्केट में बियर्स के इस्टेब्लिश होने की कोई सिग्नल सिचुएशन नज़र नहीं आती। हाँ 41,908 अगर टूट जाता है तो बियर्स इस्टेब्लिश हो सकते हैं, ठीक है जी। तो मौजूदा सिचुएशन में हमारा जो रेस्क्यू लेवल है, जिस तरह आज की कॉल में मैंने आपसे कहा था कि कम से कम बुल्स को 604 के ऊपर 42,604 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, अगर आपको याद हो, बल्कि कॉल तो YouTube पे होती है, आप दोबारा सुन भी सकते हैं, वो मैंने आपको कहा था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है और ज़्यादा से ज़्यादा, और जो तेज़ी थी वो 42,884 के ऊपर थी। तो इस तरह आज जो मैं भी कल के लिए कह रहा हूँ मिनिमम रेस्क्यू लेवल जो बुल्स का है वो 42,405.392 का है। इस एरिया के ऊपर बुल्स अगर सर्वाइव करेंगे तो ये जो लोअर लो बनने का सिलसिला चल रहा है ये रुक सकता है, इसके रुकने के चांसेस पैदा होंगे। इसका कतई मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ से फौरी तौर पे 1,000 पॉइंट की तेज़ी हो जाएगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सब देखिए ना, सब में पहले अगर आप बहुत तेज़ी से भागते हुए आ रहे हैं तो आप पहले एकदम झटके से नहीं रुक जाते, पहले आप अपनी स्पीड को स्लो करते हैं, फिर उसके बाद रुकते हैं, फिर अपनी सांसों को दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आप आगे चलते हैं या फिर भागते हैं। तो इसी तरह मार्केट भी बिल्कुल यही तरीक़ेकार होता है कि मार्केट की भी जो साइकिल होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह होते हैं। तो मार्केट जो है पहले रेस्क्यू करेगी, उसके बाद अपने मोमेंटम को रीगेन करेगी, और जो डिक्लाइनिंग सिचुएशन थी, जो नीचे की गिरावट की सूरत हाल थी, उसको रोकेगी, सस्टेनेबिलिटी पैदा करेगी,
फिर मोमेंटम रीगेन होने के बाद ऊपर चलना शुरू होगी, फिर उसके बाद एक ट्रिगर आएगा, ऊपर जाके एक ट्रिगर आएगा, जिस तरह पिछले दिनों 42,884 की बात हो रही थी, इस तरह अगली कॉल में हो सकता है कोई ट्रिगर आए, वो ट्रिगर को जब तोड़ेगी तो फिर एकदम उसकी बड़ी मूव बनेगी। तो मार्केट में ट्रेडिंग करने के इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। और मार्केट की जो मेरा पैशन है मार्केट, और मैं ये समझता हूँ कि मार्केट को स्टडी करना मेरा पैशन है, और मैं इसीलिए इसको जो नॉर्मल बिहेवियर्स हैं और उसके हिसाब से मिसाल दे के आपको समझाने की कोशिश की है। और मैं अगर आप इसको इस तरह समझने की कोशिश करेंगे तो आप रियलिस्टिक वे में, बिल्कुल रियलिस्टिक वे में मार्केट को समझ सकेंगे। वरना हमारे पास अक्सर लोग ऐसे होते हैं, बस वो छूटते ही एक ही बात कहते हैं कि बस ये बताओ कि आज क्या होगा, तेज़ी होगी मंदी होगी। यार यहाँ पर मार्केट का सेंटिमेंट है, ये ऑक्शन है, इट इज़ अ ऑक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर, एक जंग जारी है कि बहुत सारे लोग बेचने आ रहे हैं, खरीदने आ रहे हैं। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, द मार्केट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इसको ये कोई बाबा जी का वो नहीं है कि पीर साहब का, कि पीर साहब ने कह दिया ऊपर जाएगी तो मार्केट ऊपर जाए नीचे जाएगी। मार्केट को फील कीजिए, महसूस कीजिए, फिर ट्रेड कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए या मेरी बात को समझिए खुद, क्योंकि सेफली इन्वेस्ट की तो प्रॉब्लम ही यही है कि वो आपको सिखा के ट्रेड करना चाहता है। तो स्टार्ट फीलिंग द मार्केट, फीलिंग द सेंटिमेंट। आप सेंटिमेंट को फील करेंगे तो फिर इस मार्केट्स को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। कल शायद मैंने आपको कुछ इंट्राडे चार्ट के बारे में भी बताया था कुछ स्टॉक्स के, तो दौराने मार्केट बैठ के ट्रेड स्क्रीन देखने के बजाय उन चार्ट को देखें, दैट गिव्स यू द फीलिंग ऑफ द सेंटिमेंट, और वो आपके सेंटिमेंट को डेवलप करती है, वो आपको सीखने का मजीद मौका देती है। ओके सॉरी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो लुकिंग एट द करंट सिचुएशन 42,405 और 392 रेस्क्यू लेवल है, इसके ऊपर मार्केट ट्रेड करके उम्मीदें पैदा करेगी और अपने डिक्लाइनिंग जो नीचे की तरफ जा रहा है इस रुकाव इसको रोकेगी। आप ये भी समझ लीजिए कि अगर मार्केट 42,272-256 के नीचे ट्रेड करती है तो फिर मार्केट डिप्रेस रहेगी, ठीक है ना। अच्छा, डिप्रेस रहेगी मगर फौरी तौर पे नीचे नहीं जाएगी। जो फौरी तौर पे नीचे जाने की प्रॉब्लम है वो 42,095 के नीचे शुरू होगी। अगर 42,272-256 के नीचे ट्रेड करे तो ये ऐन मुमकिन है, क्योंकि प्री ओपन जो है, जो मार्केट का आगाज़ है, वो कैनॉट बी प्रिडिक्टेड, वो प्रिडिक्ट करना नामुमकिनात में से है। इसीलिए आप अक्सर देखते हैं मैं प्री ओपन वॉलेटिलिटी को इग्नोर करने की बात करता हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ टग ऑफ वॉर बिटवीन द पीपल जो प्री ओपन में बाय एंड सेल लगाते हैं, तो उसमें कोई भी शार्प लो या शार्प हाई बन सकता है, ठीक है ना। तो हम उसको डिस्काउंट करते हैं, तो इसीलिए मैंने उस नुक्ता नज़र से कहा है कि अगर 42,272-256 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है तो ठीक है, डिप्रेस होगी, मगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट, मतलब गिरावट नहीं आ सकती। 42,095 तोड़ दे, उसके नीचे ट्रेड होने लगे तो बस फिर ख़त्म, फिर मार्केट नीचे ही जा रही है, ठीक है ना। तो फिर हम उसके बाद कोई तेज़ी वेजी की तेज़ी तो गलत लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब हम जो है कोई लॉन्ग नहीं करेंगे, हम फिर और इंतज़ार करेंगे लॉन्ग ऑन डिप का, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जनाब, स्क्रिप्ट में मैंने कुछ कोशिश की है कि ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट करूं जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि मीडियम एंड लॉन्गर टर्म ट्रेड तो हमारी बड़ी शांति के साथ होती है कि ले के सुकून से बैठा जाए, और वो हम कर रहे हैं टारगेटेड बाइंग, ठीक है ना। उसके स्टॉक्स भी दिए जा चुके हैं, कुछ दिए जा चुके हैं और कुछ अभी दिए जाने हैं। तो यहाँ पर हमने जो बात की है ये तमाम इंट्राडे और शॉर्ट टर्म पॉसिबिलिटीज़ की बात की है। सबसे पहले हैस्कॉल है, तो इसमें कल मैंने आपको कहा था कि इसमें होप बाकी है 22,500-21,595 तक,
तो आज इसमें यकीनन ट्रेड तो नहीं बनी ऑब्वियसली, क्योंकि हमको इसको डिप पे बाय करना था। और दूसरा एक ऑप्शन मेरे ख्याल में 23-20 के ऊपर था, तो वो भी पॉसिबिलिटी शायद नहीं बनी, तो लिहाजा अभी कोई ट्रेड नहीं बनी इसमें। तो हमने इस कॉल को कम ओबेश रिपीट किया है, वही कॉल है कि उम्मीदें कायम है 22.5-21.95 जब तक ये होल्ड कर रही है, तो हम इसमें डिप में जाएंगे लॉन्ग 21.55 के स्टॉप लॉस के साथ, और एक जैसे ही वो 22.5 के ऊपर सेटल होने लगेगा हम 21.95 के नीचे स्टॉप लॉस को लेके आएंगे। ये इंट्राडे ट्रेडर को सीखना पड़ेगा, लाजमी सीखना पड़ेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि वो मुतहमिल नहीं हो सकता लॉस का। और सेफली इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा फोकस है आपके लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट को इन्हेंस किया जाता है। मैं बुल्स की एफर्ट कल मैंने कहा था 23-20 के ऊपर एक्सपेक्ट करूंगा, मगर अब मैं 22.85 के ऊपर भी बुल्स को एफर्ट करता हुआ देख रहा हूं, मगर जो सिक्योर लॉन्ग है मैंने वो अभी भी 23-20 के ऊपर रखा है। तो कम ओबेश हैस कॉल की कॉल वही है जो कल दी गई। FFVL से हम निकल गए थे और उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि वी आर आउट ऑफ इट एंड वी आर ओवर, बट 22.80 के ऊपर नया लॉन्ग कर लो, ये बात मैंने कल की कॉल में कही थी। तो 22.80 टूट गया, हमारा नया लॉन्ग हो गया। अब 22.55 के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जैसे ही मार्केट मूव करेगी एक्साइटमेंट में, वो स्टॉप लॉस 23.20 के नीचे आना चाहिए। मैं बुल्स को पहले 23.75 और फिर मैक्सिमम 24.50 तक देख रहा हूँ, मगर 24.50 को चेज करने के लिए स्टॉप लॉस को नीचे रख के नहीं बैठना है, 23.75 के नीचे लेकर आना है, मूव के साथ साथ ट्रेल करना है। और मार्केट के जो हालात हैं, अगर जिस तरह अभी हमने इंडेक्स को डिस्कस किया, अगर फ़र्ज़ कीजिए इंडेक्स अपने रेस्क्यू लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा हो और उससे नीचे की तरफ जाने लगे, तो आप 23.66 तक पहुँचें या 23.70 तक पहुँचें तो भूल जाइए टारगेट को, ठीक है ना, आप निकल जाइए। आप 24.50 को टारगेट कर रहे हो और वो 24.25 आ गया है, बस 25 पैसे रह गए, मगर उधर इंडेक्स नीचे गिरना शुरू हो गया, 24.50 को भूल जाइए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को भी भूल जाइए, माल डाल दीजिए। ये इंट्राडे ट्रेडर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, डिसीशन लेना, डिसीशन मेकिंग इज द प्राइमरी एबिलिटी ऑफ द इंट्राडे ट्रेडर, प्राइमरी एबिलिटी है। और मैं अक्सर ये बात कहता भी हूँ कि इंट्राडे ट्रेडर तो मेरी नज़र में बेस्ट उनकी जो एज होती है वो 22 साल से लेकर 45 साल तक होती है या 50 साल तक, जो ज़्यादा एज के लोग होते हैं और उन्होंने लेट ट्रेडिंग शुरू की होती है तो वो फौरी एक्शन नहीं ले पाते, वो सोचते बहुत है, तो इंट्राडे ट्रेड तो सोचने का टाइम नहीं देता, ठीक है। तो आपने 24.50 की तरफ जा रहे हैं और आपने देखा कि इंडेक्स गिरना शुरू हो गया है, आपने फौरन बाहर निकल जाना है। अब चलते हैं FFL की तरफ। अच्छा, मैंने कोशिश की है स्टॉक भी वही आपको दूं जिसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि मूव बन सकती है। FFL में आज थोड़ी डिप्रेसिव इंडेक्स के बावजूद एफर्ट ठीक हो गई हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये 18 को ऑनर करेगा तो कुछ और एफर्ट कर लेगा, और 18 के नीचे ट्रेड करेगा तो डिप्रेस करेगा। तो पॉजिटिव आगाज़ अगर होता है इसका तो इसमें लॉन्ग जाएं, स्टॉप लॉस को 18 के नीचे लें और फिर 19.15, 19.20 को चेस करें, ठीक है। और ट्रेलिंग के बारे में मैं दो दफ़ा समझा चुका हूं तो दोबारा मैं रिपीट नहीं कर रहा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लाजमी होनी है, ठीक है जी। उसके बाद यूनिटी स्टॉक, ये जो यूनिटी है आज इसकी क्लोजिंग बड़ी इनडिसाइसिव है। इसका एक रेजिस्टिंग एरिया है 16.50 से 16.70 तक, ये इसको बहुत प्रॉब्लम करता है, करेगा। अगर ये इस एरिया को तोड़ दे तो ये 17.15 तक जाने की अहलियत रखेगा, प्रोवाइडेड इंडेक्स सपोर्ट करे, ठीक है जी। अच्छा, तो हम 16.50 16.70 के रेजिस्टेंस को देखते हुए 17.15 को टारगेट करेंगे, और हम एंट्री तो भले पहले भी ले लें मगर जब वो 16.70 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हमारा स्टॉप लॉस 16.50 के नीचे होगा, क्योंकि पहला स्टॉप लॉस हमने 16.10 के नीचे दिया है। तो जैसे ही वो 16.70 के ऊपर आराम से ट्रेड करने लगे तो आप पहले 16.50 के नीचे स्टॉप लॉस ले आएँ, उसके बाद फिर उम्मीदें बांधें।
17 15 की बांधे, 17 19 की बांधे, 20 की बांधे, वो आपकी मर्जी, मगर स्टॉप लॉस ट्रेल होना चाहिए, PIBTL। अच्छा, ये स्टॉक जो है एक छोटी राइट पे पॉइंट कर रहा है, मगर ज़रा रिस्की है ये। 13:30 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाएं और फिर उसको 13:60 के नीचे ट्रेल करें और 13:95 को टारगेट करें, ठीक है। और मैं डिस्करेज करूँगा, मैं मना करूँगा कि इसके अंदर एंट्री ना लें अगर ये 13:65 के नीचे ट्रेड होता हुआ नज़र आए, और अगर ये 13:65 के ऊपर ट्रेड होता हुआ नज़र आए तो हम इसके अंदर लॉन्ग जा सकेंगे। अच्छा, मैंने इसमें 13:95 का टारगेट दिया है और मैंने आगे ये भी लिखा है कि 13:95 से 14:15 तक इसकी पॉसिबिलिटी है। तो आपको जब 13:95 के ऊपर जा रहा होता है तो आपको फौरन 13:95 के नीचे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए, हो सकता है 14:15 आपको मिल जाए, यू नेवर नो। और एक बात और याद रखिएगा कि जो डेली ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए 30 पैसा, 20 पैसा, 40 पैसा, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, क्योंकि वो मल्टीपल ट्रेड्स करने की अहलियत रखते हैं और ट्रेडिंग ऑन लेवल पे मल्टीपल ट्रेड्स मार्केट में होती हैं और वो इन चीज़ों को समझते हैं। तो मैंने जिस तरह कहा उनके अंदर ये भी अहलियत होती है कि फौरन फैसला करें। अच्छा जनाब, उसके बाद मैंने एक स्टॉक और इसमें आपको दिया है, TRG, ये भी रिस्क के साथ है। देखिए ना, मार्केट की पोजीशन ऐसी है तो जाहिर बात है स्टॉक में रिस्क लेवल तो ज़्यादा होगा। अगर मैं ओवरऑल इन सारे स्टॉक में देखूं तो सब में कम रिस्क FFVL में है, ठीक है जी, क्योंकि उसका मोमेंटम अच्छा था बुल्स का। बाकी उसके बाद अगर मोमेंटम अच्छा था तो FFL में था, ठीक है। तो बाकी तो स्टॉक हाई रिस्क के साथ है। अच्छा, TRG में डेयरिंग एंट्री बनती है, यहाँ पर लें या डिप पे लें, जहाँ आपका दिल चाहे। 55-70 का स्टॉप लॉस है, सिंपल इज दैट, ठीक है। और आप इसको स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, 57-25 के नीचे ट्रेल करेंगे एक्साइटिंग बिगनिंग के साथ, ठीक है जी। 55-70 से 57-25 के नीचे ट्रेल होगा और उसके बाद फिर मजीद ट्रेल करेंगे 58-25 के नीचे, ठीक है। और टारगेट हम भले 59-75 को करें या 60-25 को, अगर स्टॉप लॉस इस तरह ट्रेल होते रहे तो आप लॉस में बाहर तो नहीं आएंगे, ठीक है जी। तो ये तरीक़ेकार होता है ट्रेड का। मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा कि आपको, आपके अगर कोई सवाल हो इस हवाले से तो इनके जवाब दे सकूँ जो ट्रेडिंग के हवाले से। और अगर आप लोग कोई ऐसी वीडियो चाहते हो किसी ख़ास मौजू पे जो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, तो मैं वीकेंड पे टाइम स्पेयर करूँगा, आपके लिए ऐसी वीडियो बना के भी डाल सकता हूँ तो जो आपको हेल्प करे। बहरहाल बहुत शुक्रिया कॉल को सुनने का। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कॉल को शेयर करें अपने ग्रुप्स में और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर आपको कोई सवाल हो तो ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और सेहतमंद रखे। अल्लाह हाफिज़।